कुछ दिन पहले स्नैपड्रैगन की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था कि एक नया कुछ आने वाला है उन लोगों की तरफ से चाइना के अंदर 20 मई को, और वहां के टाइम के हिसाब से रात 8 बजे ये लॉन्च हो। और ये अनाउंसमेंट वेबो नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाइना पर बहुत चलता है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर स्नैपड्रैगन वालों ने ये अनाउंसमेंट किया था, और आइस यूनिवर्स नाम का एक ट्विटर अकाउंट है। ये लोग क्या करते हैं कि स्मार्टफोन का बहुत सारा लीक शेयर करते हैं ये लोग। तो इन लोगों के हिसाब से ये जो अनाउंसमेंट होगा, मतलब ये जो लॉन्च होगा, कुछ नया चीज जो लॉन्च करने वाला है, ये होगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस, जो कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का एक सक्सेसर है। और ये ज्यादा तेज, ज्यादा पावरफुल और क्या ज्यादा हीट भी करेगा, सब कुछ के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, और शेयर भी कर देना। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 ये प्रोसेसर अभी मार्केट में जो फ्लैगशिप रेंज का एंड्रॉयड फोन है उन सभी फोन पर देखने को मिलता है, बट ये जब अनाउंस हुआ था पिछले साल नवंबर के महीने पर, तब बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये प्रोसेसर मार्केट में आने के बाद एकदम आग लगा देगा, और सच में इस प्रोसेसर ने आग भी लगा दिया। मतलब इतना ज्यादा हीट कर रहा था वो, जो फर्स्ट फोन था इस प्रोसेसर के साथ आया था वो बहुत ही ज्यादा हीट कर रहा था। हाँ, उसका रीजन हो सकता है कूलिंग सिस्टम उतना तगड़ा वाला नहीं था, इस प्रोसेसर को हीट जो थ्रोटलिंग करता है उसको रोकने के लिए बहुत ही तगड़ा वाला कूलिंग सिस्टम चाहिए। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर फर्स्ट प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता ही है, वैसे ही स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 में भी हीटिंग का प्रॉब्लम था। लेकिन फर्स्ट फोन लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारा फोन लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का, और हर एक फोन में ये जो कूलिंग सिस्टम है इसको अपग्रेड किया, जिससे जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हुआ। और यही नहीं, कुछ कंपनी ने ऐसा भी किया कि 8 जनरेशन 1 को थोड़ा सा अंडर क्लॉक कर दिया, क्लॉक स्पीड को डिक्रीज कर दिया और कूलिंग सिस्टम भी एकदम तगड़ा वाला यूज किया। इससे क्या हुआ कि क्लॉक स्पीड कम होने के वजह से जो हीटिंग है वो कम हुआ, और कूलिंग सिस्टम तगड़ा वाला होने की वजह से भी हीटिंग बहुत हद तक कम हो गया। जैसे कि सैमसंग का एक फोन है सैमसंग S22 अल्ट्रा, इस फोन में स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 1 लगा हुआ है, और बाकी जितने भी फोन है उन सभी फोन के मुकाबले ये बहुत ही कम हीट होता है। तो हाँ, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरकीब यूज कर रही थी अपने फोन में इस प्रोसेसर को ओवर हीट करने से रोकने के लिए। तो मतलब ये प्रोसेसर है तो बहुत पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, बट इसको ठंडा करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया कूलिंग सिस्टम चाहिए। अभी ये तो गया स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, अब अभी सुनने में आ रहा है कि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन स्नैपड्रैगन बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है, जो है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस। और इसके बारे में योगेश ब्रार इन्होंने कहा है कि ये प्रोसेसर एकदम 10% ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आएगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 से ज्यादा इंप्रूव्ड होगा ये। इसका कोड नेम आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसके अलावा इस प्रोसेसर के अंदर जो हीटिंग का इशू है वो बहुत कम जाएगा, परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा एनहांस हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब कुछ उन्होंने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल के अंदर। और ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस ये प्रोसेसर TSMC के फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बेस करके बनेगा, जो एकदम पूरा ऑपोजिट है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 से। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 बना था सैमसंग के फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है ना कि सैमसंग ने प्रोसेसर बनाया तो हीट ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि सैमसंग का खुद का एक प्रोसेसर है एक्जिनस का, और जो हीटिंग इसके लिए बदनाम है। मतलब इससे पहले सैमसंग S22 अल्ट्रा लॉन्च होने से पहले सैमसंग इंडिया के अंदर अपने एक्जिनोस के प्रोसेसर यूज करते थे, और उस टाइम पर इंडियंस मतलब उतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे उन सभी फोन को, क्योंकि हीट करता था ये प्रोसेसर। तो ये एक रीजन हो सकता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के हीट करने, बट अभी स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस ये प्रोसेसर TSMC फैब्रिकेशन के ऊपर बेस करके बनेगा, तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हीटिंग इशू तो पहले से कम होगा ही होगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि ये जो TSMC फैब्रिकेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर बेस करके ही एप्पल का जो बायोनिक A15 चिप है ये सब चिप बनता है, और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 से। जैसे दोनों में ही एक कॉर्टेक्स X2 प्राइम कोर जो 2.99 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस करके है, और 3 कॉर्टेक्स A710 और 4 कॉर्टेक्स A510, मतलब दोनों प्रोसेसर में एकदम सेम कोर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी वजह से आई थिंक ये कोई मतलब सक्सेसर नहीं है, ये एक अपग्रेड है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस, नाम से भी थोड़ा बहुत लग भी रहा है। और इस लॉन्च के साथ साथ एक और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन लॉन्च कर सकता है, तो ऐसा भी रूमर है कि स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1, इस प्रोसेसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रोसेसर जब स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस लॉन्च होगा तभी उसी के साथ लॉन्च कर देगा स्नैपड्रैगन। और अभी अगर बात करें कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस किस किस फोन के अंदर देखने को मिल सकता है इस साल, तो यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट में मैंने देखा अलग अलग फोन का नाम है कि ये फोन फर्स्ट में आएगा, ये फोन फर्स्ट में आएगा।
तो फर्स्ट कौन सा फ़ोन रह सकता है? एक वेबसाइट के मुताबिक वन प्लस 10 अल्ट्रा इस फ़ोन में हो सकता है कि ये सबसे पहले आ जाए। दूसरे वेबसाइट के मुताबिक मैंने देखा वहाँ पर मोटो का एक फ़ोन है, मोटो एज 30 अल्ट्रा उस फ़ोन में हो सकता है सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले एक कोई ना कोई फ़ोन में तो आएगा ही। आप लोगों को मैं एक लिस्ट देता हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड लिस्ट है कि इन सभी फ़ोन पर ये प्रोसेसर आ सकता है इसी साल। तो यहाँ पर दो तो मैंने बता ही दिया, वन प्लस का एक फ़ोन है, मोटो का एक फ़ोन है, सैमसंग का एक दो फ़ोन लॉन्च होगा, फोल्ड 4 और फ्लिप 4। यही दो तीन महीने बाद ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने वाला है। तो इन दोनों फ़ोन में हो सकता है कि ये प्रोसेसर आ जाए। उसके अलावा शाओमी का एक फ़ोन है, शाओमी 12 अल्ट्रा इस फ़ोन में भी आ सकता है। इतने ही लिस्ट मैंने देखा, मतलब इन सभी फ़ोन्स पर एक्सपेक्टेड फ़ोन से ये हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस देखने को मिल जाए। तो इतना ही था कहानी अभी तक स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस का। अभी आगे अगर कहानी कंटिन्यू हुआ, ऑब्वियसली होगा, तो मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्त लोगों के साथ। और चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।